हाथ पैर क्यों नहीं तोड़े गए ऐसे अपराधियों के जो साले मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस पे पत्थर डाल रहे हैं। बड़े स्पष्ट निर्देश सीएम महोदय की मीटिंग में शासन से प्राप्त हुए हैं। पद की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कायर है कि किसी को मार नहीं पा रही है। हाथ पैर क्यों नहीं तोड़े गए ऐसे अपराधियों के। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे पुलिस कप्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने फोन कर अपने पुलिस वालों से कहा कि अपराधियों को इतना मारो कि उनका हाथ पैर टूट जाए। जो लोग समाज में शांति भंग करने का काम कर रहे हैं उनको मार मार कर उनके हाथ पैर तोड़ दो। किसी की हिम्मत ना हो कि कोई पुलिस वालों पर हाथ उठाए। दिन भर पर बिजनौर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ कमियां रही हैं और कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। एक तो आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप में से किसी के थाने में कोई तमाचा नहीं हो पाया है और ये आप बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं। कई बार कहने के बावजूद भी कुछ थाना इंचार्ज इतने मूर्ख टाइप निकले कि उनके यहाँ फिर भी भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर वो दिखा रहे हैं कि जब हम अरेस्टिंग करेंगे, अब हम इनको वहाँ भेजेंगे, अब इनको वहाँ रखेंगे। पहले ही बताया गया था ये तरह का तमाचा नहीं होना चाहिए किसी के यहाँ भी। कोई भी मजाक नहीं खेला जाएगा किसी का भी। बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ डील करिए। एक बात पहले ही समझा दी गई थी, कोई गलत काम नहीं हुआ है। पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट पास करी गई है, उससे बिजनौर का किसी व्यक्ति का कोई अहित नहीं हो रहा है। कहीं किसी के पास कोई कारण नहीं है कि उसकी अपने किसी अफवाह के आधार पर अराजकता का माहौल पैदा करे। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो बिल्कुल गैर कानूनी काम कर रहा है, और गैर कानूनी काम कोई भी कर रहा है, कितने भी लोग कर रहे हैं, सब अगेंस्ट लॉ खड़े हैं और उनके सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े स्पष्ट निर्देश सीएम महोदय की मीटिंग में शासन से प्राप्त हुए हैं। बड़ा स्पष्ट कहना है कि अगर लोगों ने आपके ऊपर पत्थर चलाए हैं, डंडे चलाए हैं, लोग आपसे मारपीट कर रहे हैं, तो क्या जनपद की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कायर है कि किसी को मार नहीं पा रही है? हाथ पैर क्यों नहीं तोड़े गए ऐसे अपराधियों के जो साले मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस पे पत्थर डाल रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि उपद्रवी तमाशा कर रहे हैं और पुलिस जो है अपने हाथ जोड़ रही है और उनसे पैर पकड़ रही है कि ठीक है भैया ये मत करना वो मत करना? बड़ा स्पष्ट निर्देश है, चाहे आपकी वीडियोग्राफी हो रही हो, चाहे फोटोग्राफी हो रही हो, चाहे कुछ भी आ रहा सही, ओवर एक्शन पूरा आपका जो है सपोर्ट किया जाए। अगर आपने उपद्रवियों पे सख्त कार्रवाई करी है, पूरी प्रोटेक्शन आपको दी जाएगी। कितनी भी कार्रवाई करिए, सबक सिखाइए, आदमी को ठीक करिए, उसकी बुद्धि ठीक हो जानी चाहिए, उसे देखने वालों की बुद्धि ठीक होनी चाहिए, उसको सुनने वाले की बुद्धि ठीक होनी चाहिए। सबको स्पष्ट पता होना चाहिए कि कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता, कोई भी पुलिस से लड़ाई नहीं कर सकता, कोई भी साला पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकता है। अगर किसी के भी दिमाग में इस तरह का फितूर है तो उसको क्लियर करिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, एनएसए की कार्रवाई करिए, चौराहे पे लाठी डंडा पीटिए, हाथ पैर तोड़ दीजिए सालों के जो बदमाशी कर रहे हैं सड़कों पे। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपसे लड़ रहे हैं। अगर किसी थाने में एक पत्थर पुलिस पे चलाया गया और पुलिस वालों ने उसके हाथ पैर नहीं तोड़े तो सीधा सीधा थाना इंचार्ज और सीओ साहब सस्पेंड हो जाएंगे सीधे, मैं बता रहा हूँ इस बात पे। आप ध्यान रखिए, कोई पत्थर मार रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, साले को बिल्कुल मत पकड़िए, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होनी चाहिए। आपका थाना, आपकी चौकी, आपका कोई पुलिसकर्मी, कोई भी सरकारी बस, कोई अस्पताल, कोई आपका वेपन एमुनिशन कोई ना छीन पाए, कोई भी रेलवे स्टेशन, पावर स्टेशन, रोडवेज की बस, फायर स्टेशन, एम्बुलेंस, कहीं भी कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होनी चाहिए। आप देख लीजिए, कोई एक छोटी सी चीज डैमेज करता है तो उसको उसका बहुत सख्त अंजाम मिलना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है। कोई भी आपका आरटी सेट कहीं खोना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल वाहन लेके ड्यूटी पे नहीं जाएगा, सरकारी वाहन लेके जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, कोई भी व्यक्ति अपनी वर्दी के अलावा फालतू की इधर उधर की कोई रंग बिरंगी जैकेट ना पहने। बड़े सख्त निर्देश दिए गए हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म और प्रॉपर जैकेट जो यूनिफॉर्म के साथ अलाउड है, उसी कलर की जो वर्दी से मिलती हुई है, उसको पहन के निकले। ये तो रंग बिरंगी जैकेट पहन के ना जाएं। उसके अलावा जहां भी लाठी चार्ज होता है उसमें आप दंगा नियंत्रण उपकरण पूरे लिए हुए लैस होने चाहिए। केन, शील्ड,
और उसके अलावा हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर सब कुछ आपके पास होना चाहिए। ये कहीं कोई दंगा होता है या नहीं होता है, 11 बजे से लेकर और 4 बजे तक प्रत्येक व्यक्ति अपने ड्यूटी पॉइंट पे बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा और ये सब पहन के खड़ा होगा। अगर किसी एक व्यक्ति का फोटो इस सब के बगैर आया, चाहे वो थाना इंचार्ज है, चाहे चौकी इंचार्ज है, चाहे कोई भी है, कोई भी अफसर है, कोई भी आदमी है, अगर बॉडी प्रोटेक्टर लाठी डंडा के बगैर वो अपनी पूरी तैयारी के साथ 11 से 4 बजे ड्यूटी पे नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने पहले की सरकारों में देखा था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध अपने चरम पर हुआ करता था, लेकिन योगी राज में उत्तर प्रदेश में अपराधियों का नहीं बल्कि कानून का राज चलता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप योगी आदित्यनाथ के इन 5 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। कहा जाता है कि पहले की सरकारें अपराधियों को संरक्षण दिया करती थी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और भी कई बड़े बड़े बाहुबली सपा में तो कभी बसपा में शामिल होते और सरकार का सीधे सीधे उन्हें संरक्षण भी प्राप्त होता था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि अगर कोई पत्थर भी मारे तो उसके हाथ पैर तोड़ दो। योगी आदित्यनाथ की सख्ती की वजह से एक अलग छवि के नेता के तौर में वो उत्तर प्रदेश में उभर कर आए हैं। योगी आदित्यनाथ के इस सख्ती के बहुत सारे सबूत आपको मिल जाएंगे। साल 2020 में चलिए, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आईपीएस ऑफिसर संजीव त्यागी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें संजीव त्यागी ने साफ साफ कहा था कि सीएम साहब का आदेश है कि कोई भी दंगा फैलाए, उपद्रव करे, सख्ती के साथ पेश आना, उसके हाथ पैर तोड़ देना। जो हाथ पैर तोड़ेगा उसे इनाम मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। और देखते ही देखते ये ऑडियो क्लिप पूरे यूपी में वायरल हो गया था। किसी भी बड़े से बड़े धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में योगी आदित्यनाथ किस तरह से कंट्रोल करते हैं, उनका हथौड़ा कैसे चलता है, सब कुछ वो इतनी जल्दी कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, योगी के आने के बाद पुलिस को कितना आत्मबल मिला है, आप इस ऑडियो को सुनिए। आपको वाकई में ये लगेगा कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ की जितनी सख्ती से सरकार चल रही है, अगर इसी तरह से सख्ती से सब कुछ चलता रहे तो बहुत जल्दी अपराध यूपी में कम हो जाएगा।